अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा एकेडमी में आपको खुश आमदीद। हम लोग एम डी कैट 2014 का पास पेपर कर रहे थे और इस वीडियो में हम इसका फिज़िक्स का सेक्शन डिस्कस करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट एम सी क्यू इज़ द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ ई इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू, वेयर ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, एफ फोर्स है और क्यू जो है वो चार्ज है। विच ऑफ़ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट बेस यूनिट्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के जो यूनिट्स बेस यूनिट्स बनते हैं वो बनते हैं किलोग्राम, मीटर पर सेकंड, क्यूब एंड पर एम्पेयर। ओके, सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ विच सेट ऑफ प्रीफिक्सेस गिव वैल्यूज़ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमने ये याद किया था एक्सा पीटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो वाला टेबल पूरा, तो इसमें जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया हुआ है वो बनता है चार्ली। ओके, मतलब पीको सबसे छोटा है, उससे बड़ा माइक्रो, देन मेगा, देन गीगा। ओके, द नेक्स्ट इज टू फोर्सेज 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन आर एक्टिंग एट पॉइंट ओ एंड पी। हमें डायग्राम में शो भी हो रहा है कि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन की फोर्स है, 5 न्यूटन की फोर्स ओ पे लग रही है और 10 न्यूटन वाली पी पे लग रही है। ओके, ऑन ए यूनिफॉर्म मीटर रोड सस्पेंडेड एट द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी 50 सेंटीमीटर मार्क एज शोन इन द फिक। जो रूलर है उसकी लेंथ 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक है, 50 सेंटीमीटर जो कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बनता है उसके जरिए इसको हमने स्टेबल किया हुआ है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ पी ऑन द मीटर रोड, पी की पोजीशन क्या होगी। अब देखिए, हमें ओ की पोजीशन का पता चल गया कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितना दूर है, ये है 50 सेंटीमीटर। ओके, सो इसका जो मोमेंट ऑफ आर्म बनेगा वो बनेगा 50 और ये है 5 की फोर्स, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 50 ये बनता है 250, तो ये आपके पास जो बनेगी वो बनेगा 250, इधर बन गया। अब इधर भी हमने 250 ही पूरा करना है, ठीक है। अब देखें इधर 250 कैसे पूरा होगा, फोर्स कितनी है 10, 10 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 250 आएगा 25 से, यानी ये पी जो है ये 25 सेंटीमीटर दूर होगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा हुआ कि पी दूर कितना होगा, उन्होंने पूछा हुआ कि पी की पोजीशन क्या होगी। सो ये 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो ये बनेगा 75 सेंटीमीटर। सो 75 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन, 75 सेंटीमीटर इज द पोजीशन ऑफ पी। ओके, द नेक्स्ट इज एन ऑयल फिल्म कोटिंग ऑन वाटर सर्फेस एग्जिबिट कलर पैटर्न ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ। किसी भी ऑयल फिल्म पे जो एक कलर पैटर्न सा बन जाता है तो वो किसकी वजह से बनता है, वो जिस प्रोसेस की वजह से बनता है उसे कहते हैं इंटरफेरेंस। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विशियस लिक्विड फ्लोइंग आउट फ्रॉम बी कंटेन्ड इन अ कंटेनर एज शोन इन द फिग, वेयर ए बी इज इक्वल टू 5 मीटर और बी की जो आपके पास डिस्टेंस है ए और बी का वो है 5 मीटर एंड जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। जी की वैल्यू 10 हमने कंसिडर कर लिया, तो बी से किस वेलोसिटी से बाहर आएगा, इस बी आउटलेट से। तो वेलोसिटी का इसमें फॉर्मूला जब हम पुट करेंगे तो जो आंसर आता है वो आता है 40 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, द नेक्स्ट इज फॉर द हॉरिजॉन्टल पाइप द फ्लूइड इनसाइड इट फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली देन बर्नौलीज इक्वेशन कैन बी रिटन एज। जब एक फ्लूइड हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा तो उसके लिए जो बर्नौली की इक्वेशन आएगी वो बनेगी 2p + ρv² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, द नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन और नियर पॉइंट। नियर पॉइंट ऑफ आई जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। ये एम सी क्यू जो है ये हर दूसरे साल पेपर में आ रहा है, ठीक है, एक साल छोड़ के एक साल ये एम सी क्यू आ जाता है कि नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंट विजन जो है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक दफ़ा तो ऐसे भी आया था कि उन्होंने लिखा हुआ था कि आई के लिए 25 सेंटीमीटर को हम क्या कहते हैं, तो उसे नियर पॉइंट भी कहते हैं और लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। द नेक्स्ट इज इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द मैग्नीफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन ये है, मैग्नीफिकेशन बाय आईपीस, आईपीस की मैग्नीफिकेशन 11 है। देन द टोटल मैग्नीफिकेशन, टोटल मैग्नीफिकेशन इनकी जो बनती है सिंपल हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल मैग्नीफिकेशन बनती है 220। ओके, द नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स इज 0.30 नैनोमीटर। वॉट विल बी द वेव लेंथ ऑफ एक्सरेज एट द एंगल, एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन। फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन के लिए जो वेव लेंथ बनती है वो बनती है 0.30 नैनोमीटर। ओके, द नेक्स्ट इज 100 किलोग्राम मैन इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर विच एक्सीडेंटली फॉल्स फ्रीली। वॉट विल बी द वेट ऑफ द पर्सन इन द फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर। अब आपको बताया था कि जब एलिवेटर या लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ आ रही होती है तो वेट कम होता जाता है। ओके, तो अब ये फ्री फॉल कर रही है तो फ्री फॉल एलिवेटर के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी उनका वेट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ओके, ये आपने याद रखना है, वेट ज़ीरो होगा, मैस को ज़ीरो ना कर दीजिएगा। द नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 9.8 मीटर विल बी।
अब टाइम पीरियड के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, उससे जो टाइम पीरियड निकलता है वो निकलता है 2 पाई, तो फ्रीक्वेंसी 1 ओवर टी होती है, तो उसको इन्वर्ट करेंगे तो आंसर बनेगा 1 ओवर 2 पाई हर्ट्स। ओके, दी नेक्स्ट इज अ बॉडी परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विद ए पीरियड ऑफ टाइम पीरियड सिंपल हारमोनियम का इतना है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, वॉट आर दी वैल्यूज ऑफ एम्पलीट्यूड एक्स नोट एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हमने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो इनकी जो वैल्यूज बनेंगी वो बनती है, एक्स नोट की वैल्यू बनती है 0.03 और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बनती है 100। ओके, दी नेक्स्ट इज फूड बींग कुकड इन माइक्रोवेव ओवन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल है रेजोनेंस की, ठीक है, रेजोनेंस का प्रोसेस की वजह से माइक्रोवेव में खाना जो है वो इतनी जल्दी बन जाता है। दी नेक्स्ट इज अ गैस कंटेनिंग एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस हैविंग मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल एम इन ए क्यूबिक कंटेनर कंटेनिंग हैविंग लेंथ ऑफ ईच साइड ए, वॉट इज द डेंसिटी ऑफ द गैस कंटेन्ड इन द क्यूब। इस क्राइटेरिया में जो डेंसिटी बनेगी गैस की वो बनेगी बीटा। ओके, द नेक्स्ट इज इन जनरल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रिलेशन ऑफ एन, एन का फार्मूला क्या बनता है, तो एन का फार्मूला इसमें जो बनता है वो बनता है एन इज इक्वल टू एन ओवर एन ए। ओके, द नेक्स्ट इज विच फीचर ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स यंग्स मॉडुलस, इसमें जो ग्रेडियंट है उसका रेसिप्रोकल जो है वो यंग्स मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है, सो बीटा रेसिप्रोकल ऑफ द ग्रेडियंट इज द करेक्ट ऑप्शन। दी नेक्स्ट इज एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर द प्रेशर ऑफ गैस, गैस का प्रेशर उन्होंने बताया हुआ है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर द प्रेशर इंक्रीजेज टू इतने पास्कल, देन टेम्परेचर इज, वो कहता है कि एक ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे हम लोग मेजर कर रहे हैं तो गैस का जो प्रेशर है वो इतने पास्कल आता है, जब हमने टेम्परेचर टी मतलब पहले एक टेम्परेचर था उसमें टी का इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया है, ठीक है, तो प्रेशर इतने में इंक्रीज हो गया, देन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर आप फाइंड आउट करें टेम्परेचर होगा कितना, तो इसमें जो टेम्परेचर बनेगा वो बनेगा 496.38 केल्विन। ओके, द नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फॉरनहाइट स्केल इज, फॉर्मूला दिया हुआ है सेल्सियस को फॉरनहाइट में कन्वर्ट करने का, एट वट टेम्परेचर बोथ स्केल्स गिव द सेम रीडिंग, ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जिसमें दोनों स्केल्स की दोनों तरफ की जो रीडिंग है ना वो सेम आ जाएंगी, ठीक है, तो वो जो टेम्परेचर बनता है वो बनता है -40 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। द नेक्स्ट इज अ हीट इंजन वर्किंग अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैज़ 50% एफिशिएंसी, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ इट्स लो टेम्परेचर रेजरवायर इफ हाई टेम्परेचर रेजरवायर 327 डिग्री सेल्सियस, इसका बनता है 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये एमसीक्यू हर दफ़ा आया हुआ है, ठीक है, तकरीबन हर साल मैंने ये एमसीक्यूज देखा है पेपर्स में, कभी आपसे वो पूछते हैं कि हायर रेजरवायर जो है 327 डिग्री सेल्सियस का है, लोअर जो है वो 27 का, एफिशिएंसी कितनी होगी, या वो ये पूछ सकते हैं कि एफिशिएंसी 50 है, लोअर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस पे, तो हायर कितना होगा, ठीक है, लेकिन हर दफ़ा ये एमसीक्यू जो है वो पेपर में आया होता है, तो ये आपने तीनों वैल्यूज़ को याद कर लेना है, ठीक है, ताकि सोल्व करना ही ना पड़े, हमें वैसे ही याद हो। द नेक्स्ट इज थ्री नैंड गेट्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, तीन नैंड गेट्स उन्होंने लगाए हुए हैं, वॉट इज द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज फॉर्म्ड इन द कनेक्टेड सर्किट, ये टोटल मिला के कौन सा गेट बनता है, ये और गेट बनता है। ओके, द नेक्स्ट इज 3 6 ओम रेजिस्टर्स हैं आर कनेक्टेड एज शोन इन दी डायग्राम, ये डायग्राम में जिस तरह दिखाया गया इस तरह हम तीनों रेजिस्टर्स को हमने लगा दिया, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए और बी के दरमियान इन एक्चुअल रेजिस्टेंस होगी कितनी, तो इनकी कलेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो बनती है 2 ओम। ओके, द नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 2 मिलीमीटर एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज 2 मिलीमीटर स्क्वेयर, दी प्लेट्स आर इन ए वैक्यूम, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.0 × 10⁴ वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट, फाइंड द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सिंपल पुट करना है, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आता है 8.85 × 10⁻¹। ओके, द नेक्स्ट इज अ सोलिनाइड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज़ 300 टन्स ऑफ वायर, अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर फ्लोज थ्रू इट, वॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द सोलिनाइड, सोलिनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 4π × 10⁻³ टेस्ला। ओके, द नेक्स्ट इज ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट कंडक्टर द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, जो उस उनमें जो डिफरेंस आता है वो आता है इंक्रीज करती हैं कंडक्टर से परे, ठीक है, इट दे आर इंक्रीजिज अवे फ्रॉम कंडक्टर। द नेक्स्ट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI इज यूज टू आइडेंटिफाई द इमेज ऑफ, ये ट्यूमर्स और इन्फ्लेम टिश्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है, मेडिकल फील्ड की एक चीज़ है। ओके, द नेक्स्ट इज स्टिमुलेटेड इमिजन ऑफ 2 फोटोन्स ए एंड बी ड्यूरिंग लेजर एक्शन इज शोन इन फिग, 2 फोटोन्स जो है वो निकले हैं, वॉट इज द रिलेशनशिप ऑफ वेवलेंथ ऑफ 2 फोटोन्स, दोनों की वेवलेंथ जो है वो सेम होगी। ओके,
द नेक्स्ट इज बोन्स एब्जॉर्ब ग्रेटर अमाउंट ऑफ इंसिडेंट एक्सरेज देन फ्लैश, दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट डैट, ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि बोन्स के पास जो मटीरियल होता है उसका डेंसिटी हाई होती है, ओके इसकी वजह से वो कम रेज एक्सरे की अब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से जो बोन है वो लाइट शो होती है और जो फ्लैश जो है वो डार्क शो होता है. द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो बनती है कंप्यूटराइज एक्सियल टोपोग्राफी. ओके द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एनर्जी कॉन्टैक्ट, इनमें से जो सबसे ज्यादा एनर्जी है वो होती है गैमा रेज की. ओके द नेक्स्ट इज वट विल बी द एनर्जी ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन यूज टू प्रोड्यूस एक्सरेज वैन द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज 2 kV, 2000 V का हमने पोटेंशियल डिफरेंस उसको प्रोवाइड किया है, तो एनर्जी उसकी कितनी होगी, तो उसकी एनर्जी बनती है 3.2 × 10⁻¹⁶ joules. ओके द नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग थ्री डायमेंशनल इमेजेस या 3D इमेजेस भी कहते हैं ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग लेजर बीम इज कॉल्ड, इस न्यू टेक्निक को हम लोग होलोग्राफी कहते हैं. ओके द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर, थायराइड कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हम आयोडीन यूज करते हैं, एक ये बात याद रखनी है. दूसरा आयोडीन 131 उसका ये वाला आइसोटोप यूज करते हैं, ठीक है, और ये MCQ भी हर दूसरे तीसरे साल आया होता है पेपर में, ठीक है. आयोडीन का 131 यूज होता है और किसकी ट्रीटमेंट के लिए, थायराइड कैंसर की, कैंसर जो थायराइड का होता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन 131 यूज करते हैं. ओके द नेक्स्ट इज अ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके 2 alpha particles, 2 alpha particles उसमें से निकल गए हैं. ओके विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्टेटस ऑफ डॉटर एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मैस नंबर एंड चार्ज नंबर, सो मैस और चार्ज नंबर में 2 alpha particles निकलने की वजह से क्या चेंज आएगा, तो 1 alpha particle जब निकलता है तो चार्ज नंबर 2 डिक्रीज होता है और मैस नंबर 4 डिक्रीज होता है. अब 2 alpha particles निकले हैं तो चार्ज नंबर जी जो है वो 4 डिक्रीज करेगा और मैस जो है वो 8 डिक्रीज करेगा, सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप W डिकेस टू X, उन्होंने डायग्राम में बताया हुआ W जो है उसमें से एक बीटा पार्टिकल निकला है और X बन गया है, X में से एक अल्फा पार्टिकल निकला है और Y बन गया है, Y में से एक अल्फा पार्टिकल निकला है, Z बन गया है. ओके उन्होंने नीचे पूछा हुआ कि वट इज द चेंज इन द एटोमिक नंबर, एटोमिक नंबर में क्या चेंज आएगा, तो अल्फा पार्टिकल निकलने की वजह से एटोमिक नंबर डिक्रीज करता है 2 के फैक्टर से और एक बीटा पार्टिकल निकलने की वजह से एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है 1. अब देखिए W में से बीटा पार्टिकल निकला, इनका इसका एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो गया, सो +1 सपोज हो गया, ठीक है. उसके बाद इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो 2 डिक्रीज हो जाएगा, सो +1 -2 ये बन जाएगा -1. ओके एक और अल्फा पार्टिकल -2 और ऐड हो गया तो ये बन जाएगा -3, तो टोटल ये डिक्रीज होता है 3 के फैक्टर से, तो डिक्रीज बाय 3. ओके द नेक्स्ट इज थ्री पार्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन आर ऑब्जर्व इन दी पिक्चर में, हमें उन्होंने बताया हुआ है कि 3 तरह की रेज गुजर रही हैं. 3 वाली जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गई है, मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज होगा. 2 वाली जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई है, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा. 1 वाली जो है ना वो सीधी गई है. सो उन्होंने पूछा है कि 1 कौन सी रेडिएशन है, तो 1 जो बनती है वो बनती है गैमा रेडिएशन, ठीक है, क्योंकि इन पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए ये किसी तरफ भी डाइवर्ट नहीं हुई है. द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर दिस सेक्शन इज व्हाट इज द अब्सॉर्ब डोज डी ऑफ ए सैंपल ऑफ 2 kg विच इज गिवन एन अमाउंट ऑफ 100 joules ऑफ रेडियो एक्टिव एनर्जी, तो जो अब्सॉर्ब डोज बनती है इसकी वो बनती है 50 gray. ओके लेट्स एंड हियर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.